देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज मरीजों के इलाज के लिए कम डॉक्टर और तीमारदारों के बीच मारपीट की घटनाओं को लेकर ज्यादा जाने जाने लगा है। बुंदेलखंड के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज में जरूरतों और आए दिन की मारपीट के चलते यहां इलाज करवाना और करना दोनों ही दुश्वारियों से भरा होता जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला एक बार फिर से डॉक्टरों और तीमारदारों के बीच मारपीट का है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मरीज के इलाज में डॉक्टर लगातार लापरवाही कर रहे थे। परिजनों के टोकने पर डॉक्टरों ने मरीज का ऑक्सीजन निकाल दिया, जिसके कुछ ही देर बाद मरीज की ऑक्सीजन की कमी से तड़प कर मौत हो गई। मैंने कहा देखिए सर, वो बाबे उछला पड़ा लड़का दर्द के मारे, आप इसको कुछ इंतजाम करिए। उन्होंने कर दिया, वो सही कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते, भगो यहाँ से। हमको गाली माली दे के भगा दिया डॉक्टर ने, खुद डॉक्टर ने आपने हमें चश्मा लगाता है वो डॉक्टर, चश्मा लगाने वाले डॉक्टर ने, वो मैंने जब जाना कहा तो मुझको बाहर निकाल दिया, उसका ऑक्सीजन खींच दिया, उसका वो तड़पने लगा, मैं चिल्लाता कुआ चिल्लाया, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। वो चिल्ला देखो कब से चिल्ला रहा है, देखो आपको बोतल में खून भी आने लगा, वो जी सुन भी नहीं रहे, तो कहने लगे जाओ नहीं दो दिखा से इसको, सुबह बैठा करो इसे काढ़ो बाहर निकालो इसे काढ़ो। एक ही पेशेंट रहा मैंने की जब इतना घबरा रहा तो एक पेशेंट कैसे रहे, सो ही बस मार धार गाली देने लगी सिस्टर, ए ज्यादा मुंह मत चला मुंह तोड़ दूंगी तेरा। मैंने की भैया तुम मुंह तोड़ रहे कि मेरे बेटा तो बीमार पड़ो तो मुंह तोड़ रही, ले जाए सब खेत खाद नहीं ऑक्सीजन ऑक्सीजन खेत खाद दो, फिर भी सब ने गेट लगा के सब ने मारो हमें मिलके। इसके बाद परिजनों के विरोध के चलते डॉक्टरों ने मृतक मरीज के परिजन को इमरजेंसी में बंद कर जमकर पीटा। कोई विवाद नहीं था, उस पेशेंट बहुत सीरियस हालत में कल आया था, सल्फास खाया हुआ था, सल्फास खाए हुए मरीज अक्सर बचते नहीं हैं, बहुत सीरियस होते हैं, और जब आया था तभी उसकी नब्ज नहीं थी, ब्लड प्रेशर नहीं था, जूनियर डॉक्टर्स ने सबने बहुत मेहनत की उसके साथ, प्रोग्नोसिस या जो उसका होना है वो कई बार उसको बताया भी गया था, वो कन्विंस भी था। डेथ के बाद जो ये मेडिको लीगल होते हैं केसेस, तो उनका पोस्टमार्टम होता है, उनका बिस्तर वगैरह रखने की बात होती है, जब उनसे ये बात कही गई तो उनको पसंद नहीं आई और वो जूनियर डॉक्टर से कहने लगे कि हम आपका पोस्टमार्टम कराएंगे, और इस बात पे थोड़ा सा जो भी बात हुई हो फिर वो जूनियर डॉक्टर्स को गला पकड़ने लगे, दबाने लगे, एक जूनियर डॉक्टर को ज़मीन पे ले दी, जूनियर डॉक्टर को ज़मीन पे गिरा के खिस घसीटा, उसके बाल तक नोच दिए गए, तो ये सब होने लगा। वहाँ सीनियर डॉक्टर डॉक्टर जकी राउंड पे थे, तो वो उन्होंने बीच बचाव के लिए जैसे ही आने का प्रयास किया तो उनको भी मारा उन्होंने। डॉक्टरों की पिटाई से गर्भवती महिला की हालत गंभीर हो गई, वहीं साथ में एक महिला की आँख जख्मी होने के साथ साथ तकरीबन आधा दर्जन परिजन पिटाई से गंभीर रूप से घायल हो गए। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।